नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अनवार शेख। मैं मौजूद हूं कोरंगी 5 पर ईदी होम सर्द खाने पर, ठीक है जी। उसके साथ ही एम्बुलेंस सेंटर है और उसके साथ ही यहां जो है वो गरीब बच्चों का वो यतीम खाना भी है जो ईदी होम जो है। और मैं जब आया हूं तो मैंने यहां देखा कि बिल्कुल इस सर्द खाने के सामने, एम्बुलेंस सेंटर के सामने, ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला हुआ हुआ है सेवरेज की लाइन का। अच्छा, इस सेवरेज की लाइन का मसला हुकूमत वक्त को, डीसी कोरंगी को, एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, आवाम की तरफ से भी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसमें डेली जो है वो 30 से 40 फैमिलियां बाइक पर, गाड़ियां इसमें गिर जाती हैं, इस संगीन और खौफनाक जो सेवरेज का मसला हुआ इस गड्ढे के अंदर। लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो तो ऐसा लगता है जैसे सत्तू पी के सो रही है और उन्हें नहीं परवाह, क्योंकि ये कितनी अहम जगह है। और आप ये देखें जो लोग अपने प्यारों के मैयतें लेने यहाँ आते हैं, ठीक है जी। और ये सर्द खाना एक ही है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ ही एम्बुलेंस सेंटर है, उसके साथ बेसहारा बच्चों का यतीम खाना है ईदी होम का। ये तमाम अहम जगह है, ये मेन चारा है, उसके बावजूद जो है अभी तक ये सेवरेज का मसला हल नहीं हो सका। अब मैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं ईदी होम के, मैं उनसे पूछता हूँ कि अब तक ये मसला हल क्यों नहीं हो सका। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5 पे ईदी एम्बुलेंस सेंटर पर, और यहाँ एक संगीन मसला हुआ हुआ है और अभी तक हुकूमत वक्त जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। उसके बिल्कुल सामने, एम्बुलेंस सेंटर के सामने सेवरेज का एक संगीन मसला हुआ। मैं यहाँ के जो रज़ाकार हैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने कितनी दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं और अभी तक इस संगीन मसले का हल क्यों नहीं निकल पाया। जी सर, इसके लिए तकरीबन काफ़ी दफ़ाएँ दरख्वास्तें दी गई हैं। यहाँ हम लोग खुद ही मेहनत करते रहते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, लेकिन दरख्वास्तों पे अमल नहीं होता है यहाँ पे। ये सारे मामलात हैं, बाकायदा आप खुद देख रहे हैं क्या है। अच्छा, क्या वजह है? क्या कोई सर्वे करने भी नहीं आया, कोई एक्सीएन, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई डीसी ऑफिस से कोई पूछने आया कि ये इतना बड़ा संगीन मसला हुआ हुआ है और अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया? नहीं सर, यहाँ कोई भी पूछने नहीं आता, कोई भी एक्स वाई जेड, ना यहाँ के काउंसलर, ना एमपी, कोई भी यहाँ पूछने नहीं आता, क्योंकि उनका रोड ही नहीं पड़ता है। ये रोड पड़ता हो तो उनको पता चले कि यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं, ये क्या कह सकते हैं। अच्छा, ना डीसी ऑफिस से कोई आया, ना एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से कोई आया, ना एक्सीएन आया, ना एमपीए, ना एमएनए, कोई भी शख्स ने आके ये नहीं पूछा कि इतना बड़ा सर्द खाना, ईदी सेंटर और यतीम खाना बेसहारा बच्चों का मौजूद है और उसके सामने सेवरेज की लाइन फटी हुई है, तो क्या वो लोग क्या सो गए हैं? क्या आपकी दरख्वास्त पे अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या वजह है? नहीं सर, यहाँ एक्शन लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं। कह रहे हूँ ना कि इनका रोड हो तो उनको नज़र आए, उनको मामला दिखें कुछ के क्या मामला चले, जब उनका रोड ही नहीं है तो वो क्या करेंगे आके? एप्लीकेशन देते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ जिसकी कोई मलबे की गाड़ी जा रही है उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसने उठा के मलबा डाल दिया, हम लोगों ने देखा यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है तो यहाँ हमने कुछ पत्थर वत्थर लगा दिया, बस यही काम करते रहते हैं, लेकिन ऑफिस से कोई भी नहीं आता हुकूमत की तरफ से। अच्छा, अभी मुझे लोगों ने यहाँ बताया कि सैकड़ों फैमिलियाँ इस संगीन जो सेवरेज का मसला हुआ हुआ है उसमें गिर चुकी हैं और हादसात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर हुकूमत वक्त ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों, वजह क्या है? सर, ये वजह तो वो बेहतर जानते हैं क्या वजह है, लेकिन हम लोगों का काम है जो एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते ना किसी के साथ, एप्लीकेशन देते हैं, करते हैं सही है नहीं करते हैं तो वरना देख लें अपनी मदद आपके तहत हो रहा है यहाँ जो भी हो रहा है। अच्छा, हादसात में आप रेस्क्यू करते हैं, फौरी दौड़ते हैं, लोगों को, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, लेकिन ये जो आपके सेंटर के सामने मेन ये एक संगीन मसला हुआ हुआ है, इस पर कोई हुकूमत वक्त जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। यहाँ के जो है इंचार्ज हैं अमान साहब, मेरी उनसे भी बात हुई है, जो यहाँ के शीट इंचार्ज हैं, क्लर्क हैं आरिफ साहब, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने डीसी,
कोरंगी और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी इन सबको दरख्वास्तें दी हैं सैवरेज के मसले पे, लेकिन अभी तक हकूमत वक्त जो है वो सो रही है। वो क्यों सो रही है ये समझ से बालातर है कि इस संगीन मसले को हल क्यों नहीं कर पा रहे। अब देखना यह है कि ये संगीन मसला कैसे हल होगा, क्या ये कोई बड़ा हादसा होगा या कोई बहुत बड़ा कोई हादसा होगा उसके बाद ये हल होगा, या ये वैसे ही हल हो जाएगा। अब आवाम जो है वो खुद, मैं ये देख रहा हूँ कि वो भी बेचारी बेबस है इस संगीन मसले के ऊपर। जी अच्छा, ये जो मेन रोड है मेन कोरंगी पाँच का, और ये मेन समझ लें सारे रास्ते इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं, मेन ट्रैफिक यहाँ से गुजरती, क्या वो हादसात नहीं होते यहाँ पर? सर हादसात होते हैं, क्यों नहीं होते? कई फैमिलियाँ गिरी हैं, बच्चों को, फैमिलियों को हमने उठाया है मोटरसाइकिल पे से गिरीवियों को, लेकिन यहाँ से रेड बस आपके सामने चली है, पहले यही रूट था रेड बस का, इन हालात की वजह से रेड बस ने वाला रूट पकड़ लिया, क्या कह सकते हैं? अच्छा अब ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने एक रेड बस चलाई है अभी पीपल बस सर्विस के नाम से, उसने अपना ये रूट भी चेंज कर लिया सिर्फ इस संगीन मसले की वजह से कि संगीन मसले का कोई हल निकल सके। अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त कब जागेगी और ये सितम जो है, जो इतना बड़ा रेस्क्यू सेंटर है, ईडी सेंटर, एम्बुलेंस सेंटर और सर्द खाना, इसका आंसू कब पूछेंगे, कब पहुंचे जाएंगे और कब ये जुल्म ख़त्म हो सकेगा। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ कोरंगी पाँच ईदी होम शेल होम के बिल्कुल सामने, एक संगीन मसला हुआ हुआ है और ये सैवरेज की लाइन फटी है, यहाँ पर सैकड़ों मोटरसाइकिलें गिर चुकी हैं, हादसात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हकूमत वक्त ने कुछ नहीं किया। ये अपनी मदद आपके तहत पाक सरजमीन पार्टी के यहाँ रहनुमा जो है मौजूद हैं, जो यहाँ से उम्मीदवार भी हैं चेयरमैन के लिए, मैं इनसे पूछूँगा ये बेचारे ये इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं, किसी को ख्याल नहीं आया कि इस संगीन मसले को हल कर सके। जी सर आपका नाम? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हारून कादरी है और मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से एज ए चेयरमैन यहाँ पे मुंतखब हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही माशाल्लाह सब सारा कुछ बताया है, तो असल मसला ये था कि लोगों को परेशानी का सामना था, लोग ज़्यादातर यहाँ से जो औरतें बच्चे निकल रहे हैं मोटरसाइकिलों पर वो गिर रहे हैं और पानी के अंदर से लोगों को निकलने का बड़ी परेशानी थी। तो हमने पाक सरजमीन पार्टी ने जो यहाँ के जो हमारे यूसी 22 के जो हमारे जो साथी हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह और इसको सही करवाया है और इसके हम लगे हुए हैं मज़ीद इसको जो है ना हम रोड को क्लियर करें ताकि लोगों को परेशानी जो हो रही है इसका सामना ना हो, और कोशिश लगी हुई है हमारी पूरी इंशाल्लाह पूरी पार्टी की हमारी कि जहाँ जहाँ ऐसे मसाइल हैं वहाँ उसको ख़त्म किया जाए और ये इंशाल्लाह एक आप देखेंगे इनकलाब बरपा होगा पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से ही, और सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई जो हमारे लीडर हैं रहनुमा हैं उनकी काविशों से और उनकी जो हमारे ऊपर एक शफकत हैं इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कराची में इनकलाब लाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल भाई जो है मेयर रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े उन्होंने फ्लाईओवर बनाए और बड़े इनकलाबी कदम उठाए, मैं स्पेशली उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि आप पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से एक मैन्युफैक्चर लेके पूरा सिस्टम लेके आएँ कि मैं इस शहर के लिए कुछ कर सकूं, और ये उनके उम्मीदवार थे और ये यहाँ उनके साथ उनके टाउन मेंबर यहाँ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के शाहनवाज भाई, इन्होंने भी ये कोशिश करके ये जो सैवरेज का मसला है ये संगीन मसला हल करने के लिए दिन रात कोशिशें की और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सैवरेज का मसला संगीन हल हो सके। कैमरामैन जाहिद के साथ अनवार शेख, विनस टीवी HD कराची।
नाजिन मैं मौजूद हूँ कोरंगी सर्द खाने के सामने एम्बुलेंस सेंटर और शेल्ड होम, लेकिन ये संगीन मसला सैवरेज का अभी तक कोई हल नहीं कर पाया। मेरे साथ यहाँ पर पाक सर जमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी बहुत बड़ा एक इनकलाबी काम, मैं पीछे अपने कैमरामैन जाहिद दिखाएगा, जो कई महीनों से ये संगीन मसला था उसके लिए खड़े हुए हैं। ये मेरे साथ यहाँ के जो शील्ड इंचार्ज हैं ये मौजूद हैं, ये बताएंगे कि ये कितनी अजियत है, कितनी फैमिलियाँ इस संगीन मसले की वजह से गिर गई हैं, जख्मी हो गई हैं, और इन्होंने ही उठा के उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचाया। जी ये क्या मसला है, पहले भी हमें आया था? पहले भी सर आए थे, हमने पहले भी ये मसला दो तीन दफ़ा इनको बताया भी है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। दो तीन दफ़ा हम लोगों ने दरख्वास्त भी जमा कराए, उसके ऊपर भी अमल नहीं कर रहे लोग। अब बल्कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के हमारे दोस्त हैं, इन्होंने भी कुछ हमारे साथ हेल्प करके अपनी मदद, आप ये कर रहे हैं समझ गया, यहाँ बंदे गिरे हैं, बल्कि खातून गिरी हैं मोटरसाइकिलों से। हमारी एम्बुलेंस के ज़रिए हमने सिंध गवर्नमेंट हो गया या तो जिना हो गया, हम वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा ये आप ये देखें कि मैं इतफाक ये है कि मैं भी कुछ अरसे कुछ दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था, तो अपनी मिसिस के साथ मैं भी गिर गया। ये इतना संगीन मसला है। देखें अब ये मेरे साथ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं, टाउन मेंबर, तो मैं इनसे पूछूंगा, ये बेचारे इस अजीम नेकी में हमारे इधर साथ खड़े हैं। जी सर आपका नाम सर क्या है? सर मेरा नाम शाहनवाज़ है। अच्छा सर मैं यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इनके MS के पास भी गया, इनके लेटर पेड पे भी दरख्वास्त गई है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये है कि MS जो यहाँ मौजूद है वो हमारे कराची का नहीं होता है, बाहर से आया हुआ, उसको नहीं पता यहाँ के दर्द क्या है ना। यहाँ पर इनकी लॉन्ड्री बनी हुई है, लॉन्ड्री से पानी बहता है, यहाँ बाहर आता है, वहाँ पर मीठे पानी की लाइन का वॉल है, वहाँ से लीक होता है पानी सारा, जब पानी ऑन होता है तो सारा बहता हुआ यहाँ आता है। यहाँ ये गटर लाइन एक अरसे से टूटी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरा रोड बर्बाद हो चुका है, इससे यहाँ से आबादी तक पूरा पानी जाता है। हमने अपनी मदद आप यहाँ पर मलवा डलवा कर इसका जो कटिंग करवाई है रोड की, यहाँ नाले में इसकी नाली बना दी है फिलहाल, कि चलो कुछ तो गुजारा हो। परसों ही जो ना यहाँ पर एक रक्षा पलटी हुआ है, जिसके अंदर एक खवातीन पेट से थी, उनका नुकसान हो गया, अब उनका नुकसान हो गया, ये चीज़ हमसे देख ही नहीं गई। तो अब मुस्तफ़ा कमाल भाई की हिदायत पर इंसानियत की खिदमत के लिए हम तो सुरखरू हैं और कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे ना, और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, इस काम को हम लेके चलते रहेंगे। जो मुस्तफ़ा भाई बोल रहे हैं ना, हम तो निकल जाते हैं, अभी यहाँ पर हमने मच्छर डेंगू की बीमारी चल रही है, सब वायरस फैला हुआ है, हमने यहाँ पर उसकी वैक्सीन भी धुआं लगवाया है यहाँ पर सारा चारों तरफ, और अल्लाह का करम है कि हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और मुस्तफ़ा भाई चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा कमाल भाई के अलावा कराची को कोई नहीं संभाल सकता है। देखिए ये टाउन मेंबर थे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के, और बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि जब तक इस शहर कराची में इनकलाबी तब्दीलियां नहीं आएंगी, जब तक इस शहर के मुस्तफ़ा कमाल भाई जैसा, मैं समझता हूं कि मुस्तफ़ा भाई कमाल भाई जैसे लोगों ने मेयरशिप की और माशाल्लाह और शहर में बहुत बड़े फ्लाईओवर बनाए और बहुत काम किया, मैं उनको स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया अपने दौरे हुकूमत में, और अब भी वो एक नए अज़म के साथ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के हवाले से वो फिर दोबारा एक अज़म करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस शहर के अंदर दोबारा इनकलाबी तब्दीलियां आए और शहर कराची जो है वो सुख का सांस ले सके। अब मैं कैमरामैन अपने जाहिद से कहूँगा कि वो दिखाएँ, ये अपनी मदद आपके तहत जो ये पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं, इन्होंने ये ट्रक मंगाया है मलबे का, और यह हादसा डेली के 30 से 40 मौजूद हैं, डेली हादसा होते हैं, फैमिलीज गिरती हैं, गाड़ियां इसमें जाती हैं। ये देखें मलबा उन्होंने मंगवाया और ये इसको कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा रोड डैमेज है, ये पूरा रोड, ये कोरंगी 5 हॉस्पिटल से लेके और ये देखें आप पुल के आखिरी सिरे तक जहाँ ये ट्रक खड़ा है बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है, समझ लें उर्दू में कह लें बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन हुकूमत वक्त जो है मेरी समझ से बालातर है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रही ताकि इस संगीन मसले से लोगों का हल हो सके और इस अजियत और तकलीफ से लोगों को बाहर आ सके। अब देखना यह है कि किस तरह के इस अजियत से और इस तकलीफ से आवाम को रिलीफ मिल सके। और ये यहाँ मौजूद हैं इदी होम के इंचार्ज, तो इन्होंने मुझे स्पेशली कहा, और जो इनके बड़े हैं अमान साहब उनसे भी मैं मिलके गया हूँ, उन्होंने भी कहा कि हमने DC साहब को एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बहुत दरख्वास्तें दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं किया, वो सत्तू पी के क्यों सो रहे हैं, ये समझ से बालातर है, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे इस संगीन मसले पे। अब मैं तो ये समझता हूँ कि एज ए सहाफ़ी
कि इनको फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मेन जगह है, लोग अपने प्यारों की यहाँ पर मैयतें लेने आते हैं। ये कितना बड़ा संगीन मसला है कि वो अपने प्यारों की मैयतें नहीं ले सकते, ये कितना बड़ा जुल्म है। ये जुल्म और जाति और बर्बरियत की वो दास्तान है कि मैं कैसे बयान करूँ कैमरे के आगे। मेरे आंसू निकल गए हैं आज कि मैं, और ये मैं सलाम पेश करता हूँ पाक सरजमीन के यहाँ नुमाइंदों को, जो मुस्तफ़ा भाई की हिदायत के ऊपर, मुस्तफ़ा कमाल भाई की, जो यहाँ आवाम के लिए खड़े हो गए, ये ईदी होम वाले जो अमला है, ये काम इनका नहीं है, ये हुकूमत वक्त का है कि आवाम को इस अजियत से निजात दिला सके। मेरी समझ से बालातर है कि वो क्यों नहीं कर रहे और ये बड़े इकदाम क्यों नहीं कर रहे ताकि आवाम को सुख का सांस ले सके, जबकि पीपल बस सर्विस जो चली है उसका रूट भी यही है, लेकिन उसने भी मजबूरन अपना रूट चेंज कर दिया इस संगीन मसले की वजह से। अब देखना यह है हुकूमत वक्त कब जागेगी और कब आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन जाहिद के साथ अनवार शेख, विनस टीवी, HD कराची।